मेरी है ना, और ये कॉम्पैक्ट से इसका इतना जाता है, ये रजिस्ट्रेशन इंपोर्ट करवाई है। ओके, इसके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट इसके क्लियर है। ठीक है जी हाँ, अगर आपको इसको किटन चाहिए होंगे तो मेरे घर पे इसकी भीड़ हुई है, वो आपको मिल जाएगा 2.5 लाख रुपए का किटन। ओके, जैसे ही इसकी 3 लाख रुपए डिमांड कर रहा हूँ। 3 लाख? 3 लाख रुपया। इस कितनी उम्र में है ये? इसकी एज है तकरीबन 8 मंथ होगी इसकी एज। ओके, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल टॉपिक और मैं हूँ आसिम तुमो। नाज़रीन, आज हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी परिंदों की और डॉग्स के हवाले से जो मार्केट है टोरंटो मार्केट, वहाँ पे मौजूद है और मेरे साथ इमरान साहब मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट को ओन करते हैं। हमें वो डॉग्स की वैरायटी के बारे में बताएंगे, उनकी प्राइस, उनकी नस्ल के बारे में बताएंगे। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? खैरियत से? आप मुझे ये बताइएगा, आपके पास माशाल्लाह परिंदे एक से बढ़ के एक है, बिल्लियाँ, कुत्ते, बहुत कुछ है। ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा इन डॉग्स के बारे में बताएं। ये जो पहले नंबर पे डॉग है जी सर, ये कौन सा है, नस्ल कौन सी है, उम्र इसकी कितनी है और इसकी कीमत कितनी है? सर, ये जर्मन शेपर्ड है, ये पोलैंड से इंपोर्ट हुआ है, इसकी 2.5 लाख रुपए डिमांड कर रहा हूँ, और ये पेडिग्रीड है, पिंक पेडिग्री है इसकी, और ये बहुत इंपोर्टेड डॉग है, लॉन्ग हेयर में है, जर्मन शेफर्ड, ब्लैक मार्क्स, जर्मन शेफर्ड। दुनिया में लव करते हैं, बहुत 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 लविंग ब्रीड है ये। इसके बाप का नाम है फ्लैश। 19 लाख रुपए का इंपोर्ट जो आया। ओके जी हाँ। अच्छा, इसकी लुक आफ्टर एक मुश्किल मसला नहीं होता आपके लिए क्या? नहीं, कोई मसला नहीं है, इसको ब्रश वगैरह डेली करें, इसको वॉश करें, हफ्ते में एक दो बार वॉश करें, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी जो खुराक होती है वो कुछ खास स्पेसिफिक होती है कि उसके अलावा आपने कुछ नहीं खिलाना? या बॉन इसको सिर्फ हम चिकन दे रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा फीड दे रहे हैं इनको। ठीक है, डॉग फूड जो होती है वो दे रहे हैं, इनका प्रॉपर जो है ना केयर की जाती है यहाँ पे। तकरीबन एक दिन में कितना खर्चा है डॉक्टर? मैक्सिमम एक दिन पे कुत्ते का खर्चा है तकरीबन 500 से 600 रुपया खर्चा आ जाता है। 500 से 600 रुपया, मतलब 15 से 18 हज़ार रुपया महीने का खर्चा है डॉग के ऊपर है। जी है। ठीक है, आप कितने अरसे से इस कारोबार में आए हैं? मुझे तकरीबन 12 साल हो गए हैं इस काम में। 12 साल मेरा ये शौक था और शौक से मेरा ये काम बन गया। ओके, जो लोग डॉग का बिजनेस करते हैं, आपका क्या ख्याल है, अच्छे पैसों में खेलते हैं? बहुत अच्छे पैसों में खेलते हैं, ये मुनाफा ही मुनाफा। आपने मेल फीमेल ले ले, ब्रीड कराएं, ये आपके एक साल में पैसे पूरे हो जाते हैं। सही है, लेकिन आपके पास बेचने की सलाहियत भी तो होनी चाहिए। जाहिर बात है, वो फिर कोई ये ऑनलाइन ज़्यादातर आजकल ना ज़्यादा ऑनलाइन ये परचेजिंग हो रही है, सेल परचेजिंग हो रही है। ओके, अच्छा ये दूसरे नंबर पर जो ब्लैक डॉग है ये कौन सा है? ये ब्लैक जर्मन शेपर्ड है, ये जर्मनी से इम्पोर्ट करवाया, ये फीमेल है। ओके, ये मेल फीमेल दोनों की है। ठीक है, मेल जो है वो मैंने घर पे स्टार्ट के लिए रखा हुआ है। ठीक है, वो 7.5 लाख रुपया मैंने इम्पोर्ट करवाया। ओके, उसकी मेटिंग फीस, वो मेट भी करवाता हूँ, मेटिंग फीस उसकी 80,000 रुपया। 80,000 रुपया जी। गुड, ये वाला कौन सा डॉग? ये लैब्राडोर है। ठीक है, ये ब्रिटिश लैब है, ब्रिटिश। ठीक है, ये भी इम्पोर्ट करवाया? ये यहीं के है, लोकल है। जी हाँ, लोकल ही है। इसकी क्या कीमत है? इसकी 50,000 रुपये डिमांड कर रहे हैं। 50,000 डिमांड कर रहे हैं, और कोई बंदा लेने आएगा तो जारी बात है थोड़ा सा जी वो कंसेक्शन हो जाएगी इसमें। ये कौन सा डॉग है? ये पिटबुल है। ओके, इसकी खासियत बताएं। और ये 1 मंथ डॉग है। ओके, और ये अमेरिका की ब्रीड है, ये अमेरिकन टेरियर पिटबुल है। ओके, इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 1,20,000 रुपया। 1,20,000। मेल है फीमेल है? ये फीमेल है। फीमेल है जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा, एक डॉग ये पीछे जो लेटा हुआ है, ये भी पिटबुल है, फीमेल है? ये फीमेल है। ओके, ये लोकल है। ठीक है, अच्छा आपके हाथ में एक बड़ी खूबसूरत चीज है, इस बारे में जरा बताइए हमारे नाजरीन को, बहुत लाभ कर रहे हैं आप, बच्चों की तरह उठाया हुआ है ये। मेरी है ना, और ये कॉम्पैक्ट से इसका इतना जाता है, ये रशिया से इम्पोर्ट करवाई है। ओके, इसके पासपोर्ट डॉक्यूमेंट इसके क्लियर है। ठीक है जी हाँ, अगर आपको इसके किटन चाहिए होंगे तो मेरे घर पे इसकी भीड़ हुई है, वो आपको मिल जाएगा 2.5 लाख रुपए का किटन। ओके, वैसे ही इसकी 3 लाख रुपए डिमांड कर रहा हूँ। 3 लाख? 3 लाख रुपया। इस कितनी उम्र में है ये? इसकी एज है तकरीबन 8 मंथ होगी इसकी एज। ओके जी, तो ये हाइट इसकी यही रहती? हाइट यही है इसकी। खूबसूरती, बाल बड़े रेशमी किस्म के माशाल्लाह। सही है, इसकी खुराक भी सेम चिकन और बाकी चीजें? जी वही है। ठीक है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसकी भीड़ भी मेरी हो चुकी हुई है, इंशाल्लाह किसी कस्टमर को चाहिए होगा तो ये सिर्फ फुल तैयार होगा। आपको 2.5 लाख रुपए डिमांड बताई है, अगर वो आपके रेफरेंस से आएगा तो इंशाल्लाह उसे टाउन करेंगे। इमरान भाई, ये बताएं, आपका जो अल करम बर्ड सेंटर है बड़ा मारूफ है मार्केट के अंदर, आप मुझे ये बताएं कि बाज का जानवर जो लोग ले जाते हैं वापसी करने भी आते हैं, क्या उनके साथ तामन करते हैं? जी, पूरा तामन करते हैं हम, मार्केट की तरह नहीं करते हम, पूरा तामन करते हैं। और जिससे जो जिसका कुत्ता जो सेल होता है ना, मार्केट का रूल है सेल बेस पे जानवर रखते हैं, वो जैसे सेल होता है उसको कॉल करते हैं कि भैया आपका अपना जानवर सेल हो गया, पैसे आके ले जाएं।
या तो ब्याज तक कर देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक आपके शोरूम के ऊपर कितनी मालियत के जानवर मौजूद है? आप मालवीय पे जाएं तो ये करोड़ों रुपए का माल है, इसमें बर्ड्स जो पड़े हुए हैं वही तकरीबन करोड़ों रुपए के हैं। सिर्फ बर्ड्स करोड़ों रुपए? बर्ड्स करोड़ों रुपए के हैं। मुझे ये बताइएगा, ये एक जानवर बड़ा खूबसूरत है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि उसको जरा ज़ूम करें, ये क्या है? ये एक नया जानवर है यहाँ तो? ये मालागन काकाटू है। ओके, और ये फैमिली पैक का समझ लें। ठीक है, मतलब अगर आपको कोई रेफरेंस चाहिए तो इंशाल्लाह आप नेगोशिएशन हो सके, ये करेंगे लाजमी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, डॉग से लव करने वाले जो लोग हैं, जो तबका है, उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपने सेटअप के हवाले से, कि आपके पास जो कुत्ते हैं यहाँ कोई धोखा नहीं है, कोई फ्रेब नहीं है? इंशाल्लाह आप जो भी है ना देखें चीज अपनी तसल्ली करके लें। हमने दुकान पे भी लिख के लगाया हुआ है, जानवर जानवर की तसल्ली दुकान पे करें, ठीक है, यहाँ पे तसल्ली करके जानवर चीज लेके जाए। अगर कल कोई मसला बनता है तो इंशाल्लाह हम पूरा उसे तामन करेंगे। फिर भी सही है, ये जो आप लोगों ने कानून असूल कुछ बनाए थे यहाँ लिखे, जी जी, आप इसके ऊपर पूरी इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू सो मच।